गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर. टुडे वी विल रिवाइज सेकंड चैप्टर. फर्स्टली वी विल रिवाइज वर्ड मीनिंग. यस, योर फर्स्ट वर्ड इज चुबी. चुबी मीन्स फैट इन अट्रैक्टिव वे, मीन्स ऐसा मतलब फैटी जो अच्छा लगता हो इन अ अट्रैक्टिव वे. लाइव, लाइव मीन्स लिविंग नॉट डेड. टेडी बियर, टेडी बियर मीन्स अ सॉफ्ट टॉय बियर, अ सॉफ्ट टॉय बियर. बीन, बीन अ पॉड कंटेनिंग सीड्स ईटन एज अ वेजिटेबल. सेकर्ड, सेकर्ड मीन्स फ्राइटन्ड, या फिर फीलिंग अफ्रेड सडनली, अचानक से डर जाना, या फ्राइटन्ड डरा हुआ. सेकर्ड आप इतना जो है लर्न कर सकते हो, फ्राइटन्ड. नेक्स्ट है टेंडर. टेंडर मीन्स इजी टू बाइट या फिर इजी टू कट, दोनों में से कोई भी एक लर्न कर सकते हो. आप ये भी राइट कर सकते हो, इजी टू बाइट या इजी टू कट. नेक्स्ट है प्रोवाइड. प्रोवाइड गिव या फिर सप्लाई. गिव प्रोवाइड करवाना, गिव देना या फिर सप्लाई करवाना. नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल एक्टिव एट नाइट, जो दिन की बजाय रात में एक्टिव होते हैं उनको बोलते हैं नॉक्टर्नल. तो जो कोला है वो क्या होता है, नॉक्टर्नल होता है. दिन की बजाय ये रात को ज्यादा एक्टिव होता है. वेजिज, वेजिज होता है स्क्वीज टाइटली इनटू है नैरो स्पेस, मतलब कि थोड़े से स्पेस में घुस के जो है सोना, मतलब छपकी लेना या सो जाना. फोक, फोक जैसे कि आप मैगी वगैरह खाते हो तो उस तरह से जो है दोनों साइड से, मतलब पैर से भी और दोनों आगे वाले जो एज ए हैंड यूज करते हैं कोला, तो उससे जो है ये ट्री को पकड़ के सो जाते हैं. व्रैप, व्रैप मीन्स पुट फिरमली अराउंड, उसपे लिपट जाते हैं ब्रांचेस पे. फॉरबिडिंग, फॉरबिडिंग ऑर्डरिंग नॉट टू डू समथिंग, कि ऐसा ऑर्डर जहाँ पे हम जो है जिस उसके लिए, जैसे कि कोई भी स्पेस है जहाँ जाना जो है मना है या कुछ भी ऐसा काम करना मना है, तो वहाँ जैसे कि कोई ऐसा एरिया जहाँ ये बोल दिया जाता है कि यहाँ पे जो है जैसे ट्रीज लगाने हैं, तो वो फॉरबिडिंग मतलब कि वहाँ पे और हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ जो है पौधे ही लगा सकते हैं. रिजर्व जैसे, हाँ सेम यही है. एरिया ऑफ लैंड रिजर्व एज सेफ प्लेस और फॉर एनिमल और प्लांट, ऐसा एरिया जो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए रिजर्व मीन उनके लिए फिक्स कर दिया जाता है कि यहाँ पे हम और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वहाँ पे या तो एनिमल्स रह सकते हैं या फिर प्लांट्स पौधे लगा सकते हैं. और फॉरबिडिंग का होता है कि अलाउ ना करना, मना करना. नेक्स्ट है आपका रीड एंड फाइंड बुक एक्सरसाइज में पुट अ टिक और क्रॉस फॉर ईच सेंटेंस. जैसे फर्स्ट, द कोला इज ए मैमल. कोला क्या है, मैमल है. यस, इट इज राइट. कोला इज अ मैमल, क्योंकि मैमल्स क्या होते हैं, जो अपने सॉरी जो बेबी बेबी को बर्थ देते हैं और जो एग देते हैं वो जो है मैमल्स में नहीं आते. जो एनिमल्स बेबी को बर्थ देते हैं उनको क्या बोलते हैं, मैमल्स. सेकंड, कोला स्लीप ऑल नाइट, कि कोला जो है पूरी रात सोते हैं नहीं. कोला क्या होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, जो रात को ज्यादा एक्टिव होते हैं. तो ये रॉन्ग है सेकंड. थर्ड, द कोला इज ए मार्सुपियल. मार्सुपियल मीन्स जैसे कि जो मार्सुपियल का, जैसे हमने इसमें यहाँ भी रीड किया था, जो अपने बच्चों को अपने पोच में रखते हैं, इसमें है जैसे, हाँ सॉरी, एक तो कोला और एक आपने कंगारू देखा होगा कि वो अपने बेबी को आगे जो उसके एक पोच पॉकेट बनी होती है उसमें रखते हैं. तो सेम कोला और जो है कंगारू दोनों जो है क्या होते हैं, ये मार्सुपियल होते हैं, अपने बेबी को अपने पोच में पॉकेट में रखते हैं. ए बेबी कोला इज बोर्न ब्लाइंड. जो बेबी कोला होता है वो ब्लाइंड जो होता है, जब उसका बर्थ होता है तो ब्लाइंड होता है. कोला हैज ए ब्लैक नोज. कोला की जो है ब्लैक नोज होती है. यस, इट इज राइट. सिक्स है कोला ईट द फ्रूट ऑफ ट्रीज. कोला जो है क्या खाता है, फ्रूट्स खाता है ट्रीज के, नहीं. कोला जो है जो इजी
इजी जो लीव्स कट हो जाती है इजीली उनको जो है ये खाता है। सेवंथ है वी हैव नो कोला इन द वर्ल्ड नाउ। यस अब जो है वर्ल्ड में कोला जो स्पीसीज अब नहीं है, ये खत्म हो चुकी है। एट्थ है कोला लीव इन नेस्ट ऑन द ग्राउंड। कोला जो है नेस्ट में रहता है, ग्राउंड पे नहीं। कोला जो है ट्रीज पे ही जो है स्लीप करता है और वहीं पे ही रहता है, ग्राउंड पे नहीं रहता। सेकंड है कंप्लीट दी सेंटेंसेस। कोला लीव इन, कोला कहाँ मिलते हैं ये पहले जैसे अब तो नहीं है, कहाँ मिलते थे तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। कोला लुक्स लाइक अ टेडी बियर, कैसा दिखता है ये, सेम टेडी बियर। द फर ऑफ अ कोला हेल्प्स टू वार्म एंड ड्राई, जो फर होती है कोला की वो जो है इसको वार्म अप रखती है, जैसे कि सर्दी से इसको बचाती है, और ड्राई इसको सूखा रखती है। नेक्स्ट है कोला एंड कंगारू आर, कोला और कंगारू क्या है, मार्सुपियल्स हैं, क्योंकि ये अपने बेबी को अपने पोच में पॉकेट में रखते हैं। चूज द राइट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन, तो इसमें जैसे कि हमें टू ऑप्शन दिए हुए हैं और कौन सा राइट ऑप्शन है उस पर हमें टिक करना है। व्हाट इज द कलर ऑफ ए कोलाज फर, जो कोला की फर होती है उसका कलर कैसा होता है, ब्राउनिश अबो और येलोइश बिलो, और सेकंड ऑप्शन है येलोइश अबो और ब्राउनिश बिलो। तो आपका जो है फर्स्ट जो है हमारा ऑप्शन इज राइट, ब्राउनिश अबो, जो ऊपर से ब्राउनिश होती है, एंड येलोइश बिलो जो अंडर साइड होती है वो क्या होती है, येलोइश होती है। सेकंड है हाउ डज ए कोला मदर फीड इट्स बेबी, जो कोला मदर होती है वो अपने बेबी को फीड कैसे करवाती है, मीन्स जैसे कि वो कुछ खाना खिलाती है, या फिर जैसे फर्स्ट ऑप्शन है ऑन हर मिल्क, या सेकंड ऑप्शन है ऑन एक्यूपिटस लीव्स, एक ऐसा ट्री लॉन्ग सा जिसमें जिसकी लीव्स से जो है ऑयल निकाला जाता है, तो उसकी लीव्स को खिलाकर ये इसको अपने बेबी को खिलाती है, या फिर अपना मिल्क दूध पिलाती है। तो फर्स्ट इज राइट ऑप्शन ऑन हर मिल्क, ये अपना दूध उसको जो है फीड करती है, पिलाती है। वी हर डज ए फीमेल कोला हैव ए पोच, जो फीमेल कोला है उसका जो पोच है वो कहाँ पे बना होता है, ऑन इट्स बैक या फिर ऑन इट्स अंडर साइड, मतलब ऑन इट्स बैक या तो उसके ऊपर जैसे बैक पे बना होता है, या फिर ऑन इट्स अंडर साइड या अंदर की साइड बना होता है। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट, ऑन इट्स अंडर साइड। हाउ बिग इज ए कोला बेबी वैन इट इज बोर्न, कोला बेबी जो है कितना बड़ा होता है जब ये इसका बर्थ होता है, जब ये पैदा होता है, तो एज बिग एज ए बीन या फिर एज बिग एज एन एप्पल, तो इसका साइज कैसा होता है, एज बिग एज ए बीन, जैसे कि सोयाबीन हमने जो एज ए वेजिटेबल खाया जाता है बीन्स, तो उस जैसे उस जितना इसका साइज होता है, एज बिग एज ए बीन। फिफ्थ है व्हाट डज ए कोला बेबी डू व्हेन इट इज सेकर्ड, सेकर्ड होता है फ्राइटन, डर जाना, सडनली फीलिंग अफ्रेड। तो व्हाट डज ए कोला बेबी डू व्हेन इट इज सेकर्ड, जब ये डरा हुआ होता है तो ये क्या करता है, इट राइड्स ऑन इट्स मदर्स बैक, ये अपनी मदर के बैक पे राइड करना, अपनी मदर की बैक पे चला जाता है, वहां पे वहां से इधर से उधर जैसे उसकी मदर जाती है तो वैसे राइड करता है, या फिर इट होप्स इन टू इट्स मदर पोच, या फिर ये अपने मदर के पोच में घुस जाता है। तो सेकंड इज राइट ऑप्शन, इट होप्स इन टू इट्स मदर पोच, जब ये डर जाता है तो ये अपनी मदर की पोच में, अपनी मदर की पॉकेट में चला जाता है। हाउ डज ए कोला च्यू द लीव्स इट्स ईट, जो कोला है वो जो है लीव्स को कैसे च्यू करता है, चबाता है, विद इट्स फ्लैट टीथ विद इट्स शार्प टीथ, जो उसके शार्प टीथ है उससे खाता है, या फिर विद इट्स फ्लैट टीथ। तो राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट है विद इट्स फ्लैट टीथ, च्यू जो करता है वो फ्लैट टीथ से करता है, और जब इनको कट करना हो, टीयर करना हो लीव्स को, तो ये शार्प जो आगे के टू शार्प टीथ होते हैं उसे उनको कट करता है। बट यहाँ पे इसने क्या पूछा है, च्यू कैसे करता है, चबाता कैसे है, विद इट्स फ्लैट टीथ। व्हेन डज ए कोला कम डाउन टू द ग्राउंड, जो कोला एनिमल है
ये कब जो है ग्राउंड पे आता है, टू मूव टू ए न्यू ट्री, कि ये जो है न्यू ट्री पे जाने के लिए नीचे उतरता है, या टू हैव रेस्ट फॉर द नाइट, या फिर ये जो रात को इसको रेस्ट करना हो तो जो है ये ग्राउंड पे आता है, अर्थ पे आता है। तो फर्स्ट इज राइट ऑप्शन, टू मूव टू ए न्यू ट्री, ये पूरा दिन और पूरी रात मतलब कि जैसे जितना भी अपना टाइम है वो ट्रीज पे स्पेंड करता है, और सिर्फ टू सिर्फ ग्राउंड पे तभी नीचे आता है जब इसको ट्री चेंज करना हो, एक ट्री से दूसरे ट्री पे जाना हो तभी ये जो है ग्राउंड पे आता है, अदरवाइज ये पूरा दिन और रात जो है ट्री पे ही रहता है। तो फर्स्ट इज राइट ऑप्शन, टू मूव टू अ न्यू ट्री, जब इसको दूसरे ट्री पे जाना हो तभी ये नीचे उतरता है। तो यहीं तक जो है ये आप बुक एक्सरसाइज करोगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जैसे फर्स्ट है टिक द राइट और रॉन्ग, और ट्रू फॉल्स में आ गया, सेकंड कंप्लीट द सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया आपका, और थर्ड है चूज द राइट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। तो ये 7 जो है इसके क्वेश्चन आंसर भी आप लर्न करोगे। ओके बेटा, थैंक यू, रिवाइज विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो सेकेंड चैप्टर।